ईपीएफओ पेंशन 2023 हर माह मिलेगी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। जो है भविष्य निधि में जो है पेंशन लेने के लिए ऐसे ऑनलाइन करना है, ये प्रक्रिया क्या रहेगी और पूरा अंतिम तक वीडियो को देखें। वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन आते ही हम आपको आगाह कर देते हैं। अगर आप चैनल पर पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, जैसे ब्याज के लिए बहुत वीडियो देख रहे थे इधर, उसकी भी वीडियो हम आप तक लेकर आए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। ईपीएफओ से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ईपीएफओ पेंशन 2023 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि पेंशन अब हर महीने के अंतिम कार्य दिवस तक ईपीएफ 95 पेंशन भोगियों के खातों में जमा की जाएगी। ईपीएफओ ने 13 जनवरी 2023 को एक सर्कुलर में कहा कि पेंशन को उस महीने के पहले कार्य दिवस पर जमा किया जाना है जिससे पेंशन संबंधित है या किसी भी मामले में महीने के 5वें दिन के बाद नहीं। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 15,000 रुपयों या उससे कम के डीए के साथ मूल वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएस में निवेश करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे सभी कर्मचारी जो ईपीएफ में निवेश करते हैं वे भी अपना भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि जो है सुरक्षित करने के लिए ईपीएस में अपना पैसा निवेश करने के पात्र हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों को पेंशन के भुगतान में देरी पर ध्यान दिया है। जिन्होंने शिकायत की थी कि उनके खाते में पैसा जमा नहीं हो रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना ने पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन मिलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि सभी फील्ड कार्यालयों बैंकों को मासिक बीआरएस इस तरह से भेज सकते हैं कि पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जाए या अंतिम कार्य दिवस से पहले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में कहा है मार्च महीने को छोड़कर जो 1 अप्रैल या उसके बाद जमा होता रहेगा। ईपीएस का वर्तमान नियमों के मुताबिक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% भविष्य निधि जो है ईपीएफ में जमा करता है, जबकि 12% नियोक्ता द्वारा किया जाता है। ईपीएस नियोक्ता के भुगतान का 8.33% प्राप्त करता है। उच्चतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। ऐसे में पेंशन फंड में अधिकतम 12,050 रुपये प्रति माह रखा जा सकता है। पेंशन की गणना कैसे करें?
मासिक पेंशन, पेंशन योग वेतन, ईपीएस खाता अकाउंट में योगदान की संख्या 70, ईपीएस गणना फार्मूला। यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन पिछले 5 वर्ष का औसत 15,000 रुपये है, उन्होंने 30 साल तक काम किया, तो उसका मासिक पेंशन 15,000 से 30,070 से डिवाइड करेंगे तो 6,428 रुपये मिलेगी। वहीं अगर 15,000 रुपये की सीमा को 30,000 रुपये की सीमा से बदल दिया जाए, फिर उसका 12,897 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पेंशन भुगतान आदेश PPAO संख्या क्या है? केंद्रीय पेंशन पेंशन लेख कार्यालय के अनुसार प्रत्येक PPO के पहले 5 अंक PPO जारी करने वाले अधिकरण के कोड नंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित 2 अंक जारी करने के वर्ष को इंगित करते हैं और अगले 4 अंक PPO की अनुक्रमांक संख्या को दर्शाते हैं। कंप्यूटर चेक डिजिट के रूप में काम करने वाले अंतिम अंक के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संख्या जैसे कि 70, 96, 50, 60, 13, 02 के साथ एक PPO अंकित करता है कि यह 2006 में एजी मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया था। उस PPO जारी करने वाले अधिकारी द्वारा जारी 130वां PPO और इससे कंप्यूटर कोड 2 सैंपा गया है। EPS में कितना योगदान? EPFO पेंशन 2023 कर्मचारी भविष्य की निधि संगठन। कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन महंगाई भत्ता का 12% EPFO खाते में योगदान देता है और नियोक्ता कर्मचारी के 12% के योगदान से मेल खाता है। नतीजतन कर्मचारी के मुआवजे का कुल 24% हिस्सा उसके EPF खाते EPF अकाउंट में चला जाता है। कर्मचारी का हिस्सा यानी 12% और नियोक्ता के कुल 24% योगदान का 3.67% EPF खाते EPFO अकाउंट में जाता है, जबकि शेष 8.33% नियोक्ता का हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम खाते में जाता है। EPFO के ताज़ा सर्कुलर के मुताबिक अब पेंशन भोगियों के खाते में महीने के आखिरी वर्क डे में को या उसके पहले क्रेडिट हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और इसमें आपको काफ़ी कुछ नॉलेज सीखने को मिला है, तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपके लिए EPFO से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं हम कितने लोग अपना इस पर वीडियो पर प्यार दिखाते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।